वेलकम। आज का एपिसोड एलिगेशन पर है। इसमें हमने डबल एओ एग्जाम में एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है, उसे लिया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एलिगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत हुई तो एलिगेशन के पहले वाले एपिसोड को देख लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आज अभी शांति से देखने समझने पर उन्हें समझ में आ जाएगा, सबों को जो पहली बार भी देख रहे होंगे। मैं इंट्रोडक्शन तो दे ही दूंगा। एलिगेशन में होता क्या है? किसी एक को आइटम को दूसरे आइटम में मिलाया जाता है तो एक नया आइटम बनता है। चाहे मिल्क एंड वाटर को मिलाएं तो एक नया मिक्सचर मिलेगा जिसमें मिल्क भी होगा वाटर भी होगा। बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाएं तो क्लास बनेगा, क्लास के दो पार्ट होंगे, बॉयज गर्ल्स मिल गए तो पूरा क्लास। ऑफिसर नॉन ऑफिसर को मिलाए तो एंटायर स्टाफ। जहां भी दो को मिला के तीसरा बनता है ओवरऑल और रेट दिया है, एलिगेशन यूज होगा। टाइम एंड डिस्टेंस में होगा। किसी जर्नी का दो पार्ट करके फर्स्ट पार्ट को 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड को 30 किलोमीटर पर आवर से जाएं और पूरी जर्नी का एक रेट हो, तो हुआ ना ये दो जर्नी, दोनों मिला दिया तो पूरी जर्नी। इसी संदर्भ में आपको सोचना है किसमें किसको मिलाया तो क्या हुआ। एंड रेट्स शुड बी गिवन। रेट्स किलोमीटर पर आवर होता है, मार्क्स पर स्टूडेंट होता है, परसेंटेज होता है, पार्ट्स होता है। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। इसमें जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, मैं जिस तरह से स्टेप बोलूंगा उन स्टेप्स को आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्योंकि दो भाग में डबल एलिगेशन यूज होता है, आपको एलिगेशन अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। आइए। When 1 liter of water is added to a mixture of acid and water, the new mixture contains 20% acid. मिलाने के बाद जो बनता है। When 1 liter of acid is added to the new mixture, then the resulting mixture contains 33 1/3% acid. What was the percentage of acid in the original mixture? एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखते हैं। फिर से सुनिए और अब हम लोग बनाने के लिए करते हैं। When 1 liter of water is added to, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 liter, 1 liter ये बाद में काम आएगा, छोड़ दीजिए। 1 liter ये क्या है? 1 liter ऑफ वाटर है। हम वाटर को वाटर एंड मिल्क भी बोल सकते हैं, वाटर एंड एसिड भी बोल सकते हैं, वाटर एंड साल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे वो इससे तय होगा कि सामने वाला मिक्सचर वाटर और मिल्क का होगा कि वाटर और एसिड का होगा कि वाटर और मिल्क का होगा, जो होगा उस रूप में लिखते हैं। तो 1 liter ऑफ वाटर, ठीक है ये वाटर है, वाटर है, यहां हम लोग लिख दिए भाई ये वाटर है। इज एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, ये जो है वो एसिड एंड वाटर है, ठीक है। किस रेशियो में है क्या है ये नहीं मालूम। एसिड एंड वाटर का एक मिक्सचर है। व्हेन दे मिक्स्ड, 1 liter ऑफ वाटर इज मिक्स्ड टू दिस मिक्सचर, द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% एसिड। यानी ये जो बनता है इसमें 20% एसिड होता है। फर्स्ट लाइन के आधार पर हम लोग इतना ही लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने? 1 liter ऑफ वाटर इज एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर क्या है, कितना है नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम। ये कितना लीटर है, क्वांटिटी है, अभी नहीं मालूम। बस इतना मालूम कि एसिड वाटर के एक मिक्सचर में जो है यहां पर, उसमें 1 liter वाटर मिलाया जाता है तो एक नया मिक्सचर बनता है, उसमें एसिड 20% होता है। अब आप सुनिए, अगर एसिड 20% यहां है तो रेस्ट 80% वाटर होगा। और वाटर को हम बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर,
जिसमें वाटर को बोलेंगे कि ये 100% वाटर है और 0% एसिड है। अगर ये वाटर है तो उसको हम एक मिक्सचर के रूप में डिफाइन करते हैं, एसिड एंड वाटर। तो वाटर होने पर वाटर 100%, एसिड 0%। अगर होता 1 लीटर एसिड इज टू बी एडेड तो एसिड को भी बोलते कि एसिड वाटर का मिक्सचर है, लेकिन तभी पूरा एसिड होता तो लिखते एसिड 100% एंड वाटर 0%। जैसे बॉयज और गर्ल्स बैठे यहां है, कुछ बॉयज मिलाए गए, बोले नहीं नहीं बॉयज गर्ल्स दोनों मिलाए गए, 100% बॉयज 0% गर्ल्स। गर्ल्स मिलाए गए तो इसका मतलब वो गर्ल्स 100% बॉयज 0%, ठीक है। शुगर मिलाया गया एक शरबत में तो बोले नहीं शुगर पानी दोनों मिलाया गया, शुगर एंड वाटर, हाँ शुगर इज 100% वाटर इज 0%। नहीं नहीं पानी मिलाया गया, बोले नहीं पानी कहां, चीनी में मिलाया गया, वाटर 100% एंड शुगर 0%। समझ में आ गया। तो ये दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी क्या है नहीं मालूम, इसका रेशियो क्या है नहीं मालूम, फर्स्ट लाइन से इतना पता चलता है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन 1 लीटर ऑफ एसिड इज एडेड टू द न्यू मिक्सचर, मतलब ये वाला, ये जो न्यू मिक्सचर है इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो ये अगर हम लोग यहां रख देंगे तो एसिड इज टू वाटर, ये 20% एसिड एंड 80% वाटर हुआ ये वाला। इसमें क्या मिलाया जाता है, एसिड। अब देखिए एसिड मिलाया जाएगा, एसिड मिलाया जाएगा, बोले एसिड इसका मतलब 100% एसिड है और 0% वाटर है। एसिड को बोलेंगे 100% एसिड 0% वाटर, वाटर को बोलेंगे 100% वाटर 0% एसिड, ठीक है। हाँ तो यहां आइए, तो इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, जस्ट मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा उसके मुताबिक सोचिए कि 1 लीटर ऑफ एसिड यहां लिख दिया भाई, ये कितना है 1 लीटर है, ओके 1 लीटर ऑफ एसी, एसिड को हमने डिफाइन कर लिया 100% एसिड 0% वाटर, ओके दिस इज एडेड टू द न्यू मिक्सचर, मतलब ये वाला जो बना होगा जितना होगा यहां रख दीजिए, मिलाया जाता है एसिड एंड वाटर, ठीक है, दिस मिक्सचर में मिलाया जाता है। देन द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 33 1/3% एसिड, एसिड एंड वाटर इसमें 33 1/3% एसिड, यानी रेस्ट 66 2/3% वाटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा ये इंफॉर्मेशन के बाद पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब यहां पर ये वाटर जो मिलाए थे ये ओरिजिनल मिक्सचर, इसमें एसिड का परसेंटेज बताइए, इसमें एसिड का परसेंटेज बताइए, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जो दिया है उसे हमने ऐसे लिखा है। अब शुरुआत कहां से होगी, वहां से होगी, क्योंकि यहां पर तीनों का रेट दिया हुआ है, यहां पर तीनों का रेट नहीं मालूम है, बल्कि ये तो रेट पूछा ही है, इसीलिए शुरुआत वहां से होगी। आइए, परसेंटेज जो हम लोग लेते हैं दरअसल वो इंडिकेटर होता है, हम लोग किसी भी एक का परसेंटेज ले सकते हैं, चाहे एसिड का चाहे वाटर का। अगर एसिड लेना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे एसिड इज 100%, एसिड इज 20% एंड एसिड इज 33 1/3%। अब कैलकुलेशन के ख्याल से ये अच्छा नहीं है, कौन ये सब कैलकुलेशन करने के लिए जाए, पसंद नहीं है। अगर यही लिखा रहता 30% तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, फट फट फट। तो हम लोग ये वाला परसेंटेज वाला नहीं लेते हैं, गलत नहीं है ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है इसको देखते हुए बोलते हैं ना इससे नहीं लेंगे। परसेंटेज का मतलब 100% का मतलब पूरा 1:0, 20% मतलब 1:20 and 80 1:4, और इसका जानते हैं 1/3 होता है तो 1:2। बोलिए समझ में आ रहा है, ये रेशियो आया, ये आसान है। अब हम लोग पार्ट लेते हैं, जैसे एसिड यहां क्या है 1, एसिड यहां क्या है 1/5 और एसिड यहां क्या है 1/3। वाटर भी ले सकते हैं, अगर वाटर लेते तो क्या होता, वाटर पहले में 0 होता, दूसरे में 4/5 होता और यहां क्या होता 2/3, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वाटर का भी पार्ट ले सकते हैं, पार्ट मतलब समझ रहे ना, 4/5 का मतलब क्या होता है 80% वाटर है ना, 80% कोई भी ले सकते हैं, परसेंटेज में लेते हैं, लेकिन जो कि परसेंटेज यहां टेढ़ा है तो हम लोग नंबर में लेते हैं, फ्रैक्शन में लेते हैं, वो ज्यादा आसान है।
अब इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, 1 और 1 बाई 3 का डिफरेंस हुआ 2 बाई 3, और 1 बाई 5 एंड 1 बाई 3 का डिफरेंस हुआ 5 3 2 बाई 3 इंटू 5, 2 2 3 3 कट गया 1:5। नहीं आया ना समझ में, मैं बताता हूं, 1 एंड 1 बाई 3 इसका डिफरेंस 2 बाई 3, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, लिख दिया, और इसके डिफरेंस को मतलब 1 बाई 3 और 1 बाई 5 इसके डिफरेंस को, इसका बेस्ट वे होता है ऐसे ऐसे, 3 इंटू 5, 5 यहां, 3 यहां, 5 यहां, 3 यहां, 2 बाई 3 इंटू 5, यही मैंने लिखा, इसमें कुछ नहीं करते, 3 यहां, 5 यहां, 2 बाई 3 इंटू 5, ये मन में ही हो जाता है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी, एक स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1:5 आया, मतलब थोड़ा रुकिए समझने का प्रयास कीजिए, ये 1 लीटर एसी डाले किसमें, उस मिक्सचर में, दोनों का रेशियो क्या है 1:5, और ये 1 का मतलब 1 लीटर, तो 5 का मतलब क्या, अगर ये 2 लीटर होता तो 1 means 2 लीटर, 5 means 10 लीटर, तब ना 1:5 होता है, ये रेशियो इन दोनों की क्वांटिटी का होता है, तो ये 1:5 है, तो ये 1 लीटर है, तो ये क्या निकला 1:5, 5 times है, तो ये भी निकला 5 times, ये क्या आया 5 लीटर। ये पहला पार्ट हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, समझ में आ रहा है, वो 5 लीटर निकला। अब इधर आइए, ये वाला मिक्सचर ही यहां था ना, ये कौन था, दोनों को मिला के आया था ना, और ये 5 लीटर है ना, यानी दोनों को मिला के 5 लीटर बना ना, यहां 1 लीटर है तो यहां पर 4 लीटर हुआ ना, तब तो दोनों को मिला के 5 बना था, जिसको कि हमने वहां लिखा था, समझिए 1 लीटर को हमने इसमें मिलाया था, ये हमको मालूम नहीं है, दोनों को मिला के जो बना इसी को यहां रखे थे ना, ये कितना था, हमने निकाल लिया 5 लीटर, तो अगर ये 5 लीटर है, यानी दोनों का जो मिक्सचर है 5 लीटर है, तो मिक्सचर आया कहां से, 1 लीटर वाटर मिलाए थे इसमें तभी आया था ना, तो 1 लीटर है तो ये 4 होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 5 है, ये पूरा तो 5 लीटर है, ठीक है, इसको यहां लिखना नहीं है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, समझ गए, समझे ना कहां से आया, सुन लीजिए, बोर्ड पर लिखना अभी संभव नहीं है, वो पूरा 5 लीटर है ना, तो 5 को हम लोग 1:4, 1 लीटर 4 लीटर, चूंकि ये 1 है इसलिए 4 हुआ, हो गया। अब एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां परसेंटेज अच्छा है, पूछा भी है इसमें एसिड कितना परसेंट है, तो क्यों नहीं एसिड ही ले लेते हैं 0%, यहां पर एसिड कितना है मालूम नहीं, और यहां पर एसिड कितना है 20%, और ये निकालना है, ये एसिड निकालना है, बस यही सवाल है आपका। अब आप सुनिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, तो 0 और 20 का डिफरेंस क्या हुआ 20, तो 4 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 5, तो 1 का मतलब क्या हुआ 5 5 5, यानी सचमुच में बोलिए तो यहां पर 5 होगा तो यहां 20 होगा, ठीक है, यहां पर 5 होगा तो यहां 20 होगा। अब आप बताइए, इधर से तो हो गया, इसके डिफरेंस को यहां लिखे थे, लेकिन रुकिए, ये वैल्यू दोनों के बीच में होता है, इससे एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, जैसे यहां पर अगर 25 लिखा रहता, इससे ज्यादा तो इससे कम होगा, तब ना दोनों को मिलाएंगे तो बीच में कहीं होगा, इससे तो कम है ना, तो इससे ज्यादा हुआ ना, ज्यादा मतलब इसमें से किसमें से 20 लेस किए तो 5 आया, 25 किसमें से 20 लेस किए तो 5 आया, 25 आंसर है, यानी ये जो ओरिजिनल मिक्सचर है इसमें एसिड का परसेंटेज क्या है, तो 25% है, ये समझ में आया। देखिए ऐसा है कि एलिगेशन चैप्टर में अभी तक काफी कुछ हो चुका है, आप उन सारे क्वेश्चंस को देखिए, एलिगेशन को समझने का प्रयास कीजिए, तो उसमें जो टू अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक बार इनको निकालना होता है, इसमें इसको भी निकालना होता है, यहाँ दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले आया गया है, ठीक है, ये डबल हो के एग्जाम का है, इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे एलिगेशन में भी और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको समझने में और मदद मिलेगी, आप जाकर के एलिगेशन के बाकी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ओके थैंक्स।